बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों को भाई की तरफ से प्यार भरा सलाम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खरीत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको गूगल जो है सॉरी यूट्यूब स्टूडियो के बारे में थोड़ा कुछ बताया था, कुछ थोड़ा सा ही, तो उसकी रीज़न ये है कि वीडियो लंबी ना हो, यही मेरी कोशिश है ताकि जो है वो आप लोगों को समझने में आसानी हो। यूट्यूब स्टूडियो के डैशबोर्ड के बारे में मैंने बता दिया था कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सब्सक्राइबर्स और आपके सारी जो डिटेल्स है व्यूज़ और वॉच टाइम की, वो सारी चैनल के डैशबोर्ड पे रहती है। दोस्तों आज हम बात करें कंटेंट वाले टैब के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं कि ये दूसरा डैशबोर्ड के बारे में हमने बात कर ली है, और कंटेंट का जो सेकेंड वाला टैब है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों बात ये है कि मोबाइल पे जो है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, हालांकि कंप्यूटर या लैपटॉप पे जो है वो समझाना और बताना, दिखाना और जो सिखाना है वो आसान होता है, लेकिन इसकी निस्बत भी मैं जो है मोबाइल पे इसलिए करवा रहा हूँ कि हर बंदे के पास ही जो है वो मोबाइल अवेलेबल है आसानी से, और इसके अलावा जो है वो मतलब के इंटरनेट भी हर किसी के पास रहता है। दोस्तों कंटेंट के जो टैब में है वो आपका सारा, जितने भी आपने वीडियोस अपलोड की हैं, शॉर्ट्स अपलोड की हैं, वो सारे के सारे जो है वो ये कंटेंट वाले टैब में रहेंगे। ये कंटेंट वाले टैब में दोनों चीज़ें होती हैं, शॉर्ट्स भी होते हैं और वीडियोज़ जो लॉन्ग आप लोग अपलोड करते हैं वो भी होती हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, वो मैं अभी आपको ये दिखा देता हूँ जूम करके कि इसमें जो है वो दोस्तों वीडियोस हैं। वीडियोस में आपको वो चीज़ें दिखाई जाएंगी जो कि आपके लॉन्ग वीडियोस हैं, शॉर्ट्स हैं, वो दोनों चीज़ें ये वीडियोस में रहेंगी। और इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर बारी आती है लाइव। अब दोस्तों अगर आप अपने चैनल पे कोई भी लाइव कोई चीज़ चलाते हैं, कोई भी कंटेंट जो है, कोई भी अपनी वीडियो जो है वो लाइव चलाते हैं, तो वो यहाँ पर लाइव में आएगी। और ये देखें दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि ये गेट स्टार्टेड का एक बटन है, और इसको आप अगर प्रेस करते हैं तो ये आपको लाइव पे ले जाएगा। तो आप लाइव जो है वो अपने चैनल पर कोई भी चीज़ चला सकते हैं। अब दोस्तों जब आप लाइव को चलाने के बाद उसको ख़त्म कर देते हैं, तो वो जो वीडियो है वो वीडियो आपकी ये वीडियोस में भी रहेगी, और यहाँ पर लाइव में भी वो वीडियोज़ आ जाएंगी, वो वीडियो सेव हो जाएंगी, यानी कि दोनों जगह पर रहेंगी। अब दोस्तों उसके बाद बारी आती है ये पोस्ट की। अब पोस्ट में दोस्तों जो है वो आपका वो चीज़ रहेगी जो कि आप दोस्तों आपने देखा होगा कि आप लोग जो है वो फेसबुक या व्हाट्सएप पे जो स्टेटस वगैरह लगाते हैं, ये पोस्ट जो है ये स्टेटस टाइप एक चीज़ है जो कि आप यूट्यूब पर शेयर करते हो अपने व्यूज़ के साथ। तो अपने व्यूवर्स के साथ आप लोग जो है वो आप अपना स्टेटस या कुछ इस तरह की कोई चीज़ जो है वो रिटर्न फॉर्म में भी शेयर कर सकते हैं, और इसके अलावा वीडियोज़ या कुछ शॉर्ट्स वगैरह जो है वो यहाँ पर पोस्ट में आप शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ी जो वजह है ये पोस्ट को इसमें अपडेट करने की, वो यही है कि इसमें आप लोग जो है वो अपनी जो भी कोई आप अपना काम है वो उसको रिटर्न फॉर्म में जो है वो अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये मैंने अभी आपको दिखाया कि ये क्रिएट अ पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो पोस्ट है वो आपकी क्रिएट हो जाएगी। उसमें आपको जो भी लिखना है, जो भी टाइप करना है, वो आप लिख के टाइप करके उसके बाद उसको पब्लिश कर देंगे। अब दोस्तों उसके बाद बारी आती है प्लेलिस्ट की। प्लेलिस्ट में वो चीज़ें जो दोस्तों रहेंगी कि आप अपनी काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं, एक से ज़्यादा वीडियोस को एक फ़ोल्डर बनाकर, एक फ़ोल्डर की शक्ल देकर जो रखते हैं, उनको दोस्तों प्लेलिस्ट कहते हैं। तो ये प्लेलिस्ट हो गया। इसके बाद दोस्तों बारी आती है पॉडकास्ट की। पॉडकास्ट जो है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और ये प्रोमोशंस क्या है? अब दोस्तों प्रोमोशंस के बारे में मैं आपको डिटेल से बताता चलूँ के प्रोमोशंस के टैब में आप अपने चैनल की कोई भी वीडियो जो है, आपने देखा होगा जब भी आप यूट्यूब का जो है वो यूट्यूब की एप्लीकेशन जो है वो यूट्यूब की ऐप जो है वो उसको ओपन करते हैं, तो उसमें सबसे ऊपर आपको एक ऐड करके जो है वो ऐड दिखाई देता है, ऐड शो होता है। अब दोस्तों इस तरह से जो है वो मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये आप देख सकते हैं कि ये ऐड लिखा हुआ है, ये ऐड लिखा हुआ है, इस तरह से करके आपको एक ऐड शो होता है, और उसके ऊपर दोस्तों एक आपको वीडियो शो हो रही होती है। अब वो वीडियो जो है वो लोग ये प्रमोशन वाले टैब में डाल देते हैं,
ताकि उनकी वीडियोस जो हैं जब भी कोई बंदा पूरी दुनिया में जब भी कोई यूट्यूब की ऐप जो है वो ओपन करे तो सबसे पहले जो है आपकी वीडियो सबसे टॉप पे उसको नज़र आए और आपके व्यूज़ भी बढ़ें और जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी बढ़ें। अब दोस्तों इसमें एक मसला है, अब आप अपनी वीडियोस को प्रमोट करवा के सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ वगैरह तो गेन कर लेते हैं, लेकिन इसमें वो ये बता रहे हैं कि मैं आपको जूम करके दिखा दूँ कि सब्सक्राइबर्स एंड वॉच टाइम अर्न थ्रू आ प्रमोशन डू नॉट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम दोस्तों सिंपल अल्फाज में कहें तो यूट्यूब मोनिटाइजेशन है। अब यूट्यूब मोनिटाइजेशन में जो यूट्यूब है वो जो सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम आएगा वो आपका यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में कभी भी काउंट नहीं होगा। यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए यानी कि यूट्यूब को आपको मोनिटाइज करवाने के लिए 1,000 सब्सक्राइबर्स और 4,000 घंटे या 10 मिलियन व्यूज़ 90 डेज में और 4,000 जो वॉच टाइम है वो 365 दिनों में यानी कि एक साल में पूरा करना होता है। अब वॉच टाइम या व्यूज़ जो हैं उन दोनों में से एक चीज़ और सब्सक्राइबर जो हैं वो दोनों के लिए सेम है यानी कि 1,000, ये दो चीज़ें होंगी तो आपका चैनल जो है वो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होगा यानी कि आपका चैनल मोनिटाइज होगा और आपको अर्निंग स्टार्ट होगी। तो अब जो वॉच टाइम जो मिलेगा इस वीडियो से आपको मिलेगा जो कि आप प्रमोशन में रखते हैं रखवाते हैं, तो प्रमोशन में दोस्तों वीडियो रखवाने का आपको वॉच टाइम नहीं मिलेगा चाहे वो पूरी दुनिया देखे या कुछ भी हो। इसमें सिर्फ यही एक मसला है, बाकी आपका चैनल जो है वो प्रमोट हो जाता है। तो ये जो है प्रमोशन टैब जो है ये चैनल को प्रमोट करवाने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो कंटेंट वाला टैब है इसकी आपको सारी समझ आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे ये जो एनालिटिक्स वाला टैब है इसको। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले भाई को दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।